नमस्कार छात्रों, तो छात्रों आज हम करेंगे भारत एक खोज पुस्तक में से कक्षा 8 की पुस्तक है एनसीईआरटी की, उसमें पहले 5 पाठों में से एमसीक्यू प्रश्न का पहला पार्ट मीन, फिर जो बच जाएंगे वे नेक्स्ट वीडियो में। तो आइए अब हम करते हैं एमसीक्यू प्रश्न। भारतीय अतीत का आधार क्या है? तो आपको पता होगा कि भारतीय अतीत का आधार क्या है। ऑप्शन आपके सामने, मोहनजोदड़ो, गंगा नदी, सिंधु घाटी की सभ्यता या फिर तक्षशिला। तो आपने अपना आंसर लिख लिया होगा। मेरे आंसर देने से पहले आप अपना आंसर देख सकते हैं कि राइट है या रॉन्ग, और अपना मेजरमेंट कर सकते हैं कि आपकी परीक्षा की तैयारी कितनी हुई है। तो भारतीय अतीत का आधार था छात्रों सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता कितनी प्राचीन है? अब इसमें आपको समय बताना है कि सिंधु घाटी की सभ्यता जो है वो कितनी पुरानी है। प्राचीन होता है पुरानी। ऑप्शन 2000 वर्ष पूर्व, 6-7 हज़ार वर्ष पूर्व या 3000 वर्ष पूर्व या फिर 5000 वर्ष पूर्व। मीन कितनी पहले की है सिंधु घाटी की सभ्यता, कितनी पुरानी है? तो छात्रों सिंधु घाटी की सभ्यता जो है वह 6-7 हज़ार वर्ष पहले की है। आर्यों की मुख्य जीविका क्या थी? उनके जो जीविका कमाने का जो साधन था वह क्या था, क्या किसके द्वारा वह अपनी जीविका चलाते थे? पशुपालन के द्वारा, व्यापार करके या कृषि करके या फिर उनमें से कोई भी नहीं। तो छात्रों आपको पता है कि आर्यों की जो मुख्य जीविका मीन अपनी रोजी रोटी का क्या साधन था, उस समय जो लोग थे वह कृषि करते थे, खेती बाड़ी करते थे। भारतीय विरासत की क्या विशेषता थी? विरासत का अर्थ होता है छात्रों जो हमें अपने पुरखों से मिली होती है, कोई भी चीज़ विरासत में मिली होती है। जैसे कोई घर विरासत में मिलता है या धन पूंजी जो है अपने दादा दादी या उससे पहले की संपत्ति जो होती है वो आपको मिल जाती है, तो उसी को विरासत कहा जाता है। तो इसी प्रकार भारतीय विरासत की क्या विशेषता थी? आर्थिक संपन्नता को बढ़ाना, विश्व बंधुत्व का संदेश, अलग अलग रहने की प्रथा या फिर आत्मनिर्भरता। तो भारतीय विरासत की छात्रों विश्व बंधुत्व का संदेश देना ही उसकी विशेषता थी। वह सारे संसार को भाईचारे का संदेश दिया करते थे, मीन आपस में मिलजुल कर रहने का, विश्व बंधुत्व का संदेश। सिंधु नदी का दूसरा नाम क्या था? तो क्या था सिंधु नदी का दूसरा नाम, सोचो जल्दी से। इंडस या इंडिया या फिर इंदु या फिर इंद्रनील। तो छात्रों सिंधु नदी का दूसरा नाम था इंडस। सिंधु घाटी से पहले का इतिहास किसे माना जाता था? जब सिंधु घाटी की सभ्यता नहीं थी तो उससे पहले का इतिहास किसे माना जाता था? प्राचीन ग्रंथ को, अभिलेख को, वेद को या फिर पुराण को। तो छात्रों सिंधु घाटी से पहले का इतिहास जो था वह है
वेद के रूप में जाना जाता था। किसके रूप में? वेद के रूप में, वेदों के रूप में। हमारा वेद जो है, आपको पता होगा कि कितने वेद हैं, उन्हीं के रूप में जाना जाता था। किस वेद की उत्पत्ति सबसे पहले हुई थी? अभी आपसे पूछ ही लिया है कि किस वेद की, तो यहाँ चारों वेदों के नाम आ जाएंगे। चार वेद हैं छात्रों, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और रामायण। तो इसमें हमने पूछा है, यजुर्वेद है चौथा वेद, बट इसमें ऑप्शन मैंने डाला है रामायण, कि किस वेद की उत्पत्ति सबसे पहले हुई थी। तो वेद तो आपके सामने तीन हैं और एक तो नहीं है, तो इसमें से आपको बताना है कि किस वेद की सबसे पहले उत्पत्ति हुई थी। तो छात्रों, ऋग्वेद की उत्पत्ति जो थी सबसे पहले हुई थी। किस वेद की? ऋग्वेद की। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। भारतीय आर्य किस व्यवस्था में विश्वास करते थे? किस प्रकार की व्यवस्था में विश्वास करते थे जो भारतीय आर्य लोग थे? जातिवाद, परिवारवाद, अलगाववाद या फिर व्यक्तिवाद? तो छात्रों, भारतीय आर्य जो थे वे व्यक्तिवाद की व्यवस्था में विश्वास करते थे। प्राचीन समय में भारत की राजधानी कहाँ थी? छात्रों, वीडियो को पूरा देखना अंत तक, क्योंकि आपको हर प्रश्न आना चाहिए। ये पाठ में से छांटे हुए प्रश्न हैं, इसका अभी एक ही पार्ट है और आगे भी दूसरे पार्ट में कुछ प्रश्न बताए जाएंगे, तो देखना ज़रूर। भारतीय समय में, प्राचीन समय में भारत की राजधानी कहाँ थी? लखनऊ, कानपुर, जम्मू या फिर इंद्रप्रस्थ? तो यही बताना है कि प्राचीन समय में भारत की राजधानी, इस समय की राजधानी तो आपको पता ही होगा कि कहाँ है भारत की राजधानी, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि जो करंट राजधानी है वह कहाँ है, और ये प्राचीन समय में भारत की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। जब आपने महाभारत पढ़ा होगा क्लास सेवन्थ में, तो ये नाम तो आया ही है इंद्रप्रस्थ, तो वहीं भारत की राजधानी थी। भगवत गीता ने किसके व्यक्तित्व को उभारा है? ये तो सभी को आता होगा कि किस भगवत गीता में किसका व्यक्तित्व का वर्णन हुआ है, शिव का, राम का या श्री कृष्ण का या फिर विष्णु जी का? तो ये तो जैसे मैंने पहले कहा है कि सबको पता है कि श्री कृष्ण का के व्यक्तित्व के बारे में भगवत गीता में वर्णन हुआ है। सबसे पहले प्राचीन काल में किस लिपि का निर्माण हुआ? अब लिपि की बात हो रही है, तो सबसे पहले किस लिपि का निर्माण हुआ था? देवनागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, रोमन लिपि या फिर गुरमुखी लिपि? ये हैं हमारी लिपियाँ। देवनागरी की लिपि हिंदी है, हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। और रोमन की लिपि, जो लिपि है रोमन, किसकी लिपि है? इंग्लिश की। गुरमुखी किसकी है? पंजाबी की। तो आपको बताना है कि सबसे प्राचीन काल की लिपि का नाम का निर्माण, तो वो ब्रह्मी लिपि का हुआ था। सबसे पुरानी लिपि है ब्रह्मी लिपि। कौन सी लिपि? ब्रह्मी लिपि सबसे पुरानी लिपि है। भारत का नाम किसके नाम पर पड़ा? अब भारत देश है हमारा, तो इसका नाम किसके नाम पर पड़ा? राजा भरत के नाम पर, या राजा भारत के नाम पर, या फिर भरत मुनि के नाम पर, या फिर भरद्वाज के नाम पर?
तो किसके नाम पर पड़ा? तो राजा भरत के नाम पर इसका नाम भारत पड़ा था। भारतीयों की जीवन शैली कैसी थी? जो भारतीय लोग थे उस समय, तो उनकी जीवन शैली कैसी थी? खुशहाल थी, अभावों और असुरक्षा से ग्रस्त, सामान्य या फिर उच्च कोटि की थी? कैसी थी? तो छात्रों, उस समय जो भारतीय लोगों की जो जीवन शैली थी बहुत ही असुरक्षित थी और अभावों से ग्रसित थी। उनके चीज़ों के लिए अभाव थे, कमियां थी, उनको इजी से मिलती नहीं थी और असुरक्षा से ग्रस्त थे भारतीय लोग। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट है। भारतीय अतीत का आधार क्या था? अब भारतीय जो अतीत है, पास्ट है, उसका आधार बताना है। तो उसका आधार था छात्रों, पहले देख लो ऑप्शन, मोहनजोदड़ो, गंगा नदी, सिंधु घाटी की सभ्यता या तक्षशिला। तो भारतीय अतीत का जो आधार था वह था छात्रों सिंधु घाटी की सभ्यता। आर्यों की मुख्य जीविका क्या थी? अब आर्य लोग भी आए भारत में, तो उनकी जीविका क्या थी? कृषि, कैसे वह अपनी रोजी रोटी कमाते थे? पशुपालन करके या व्यापार करके या फिर उनमें से कोई भी नहीं, तीनों ऑप्शन में से कोई भी नहीं। तो बताइए जरा, आर्यों की मुख्य जीविका क्या थी? आर्य भी लोग भी वहाँ कृषि करते थे, ठीक है। सिंधु घाटी से लोग पहले का इतिहास किसे माना गया था? जब सिंधु घाटी नहीं थी, उससे पहले का इतिहास किसे माना गया था? प्राचीन ग्रंथ को, अभिलेख, वेद पुराण को या वेद को या फिर इमारतों को, किसे माना गया सिंधु घाटी से पहले का इतिहास? छात्रों, वेदों को माना गया था। सिंधु घाटी से पहले का इतिहास वेदों को माना गया था। तो ये थे 16 प्रश्न। तो आगे दूसरे वीडियो में ज़रूर देखना, नेक्स्ट 1 to 5 चैप्टर में से ही कुछ और MCQ प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्यारे बच्चों, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो का नया नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक और शेयर भी ज़रूर कर देना।